मलयालम इंडस्ट्री से बड़ी खबर है। एक्ट्रेस रेंजुशा मेनन की मौत हो गई है। 35 साल की एक्ट्रेस की बॉडी उनके फ्लैट में लटकी मिली। इस घर में एक्ट्रेस अपने पति के साथ रहती थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस बीते कुछ वक्त से फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रही थी। इस खबर के आते ही सिनेमा जगत में सन्नाटा पसर गया है। हर कोई एक्ट्रेस को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। फांसी लगाकर की आत्महत्या, इस पूरे मामले की फिलहाल पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया है। हालांकि पहली नजर में ये मामला सुसाइड का नजर आ रहा है। फिलहाल बॉडी की ऑटोप्सी के लिए भेजा जाएगा। ये पूरा मामला तिरुवनंतपुरम का है। टीवी सीरियल्स में किया काम। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्ट्रेस मुख्य रूप से कोची की रहने वाली है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो एंकर के तौर पर की। इसके बाद टीवी का रुख किया। रेंजुशा ने स्ट्रीट सीरियल में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। कई फिल्मों में आ चुकी नजर रेंजुशा कई सारी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इन फिल्म्स में सिटी ऑफ गॉड, बॉम्बे मार्च, करिस्थन, ऑन वे टिकट, भुट्टा द्वीप शामिल है। इन सभी किरदारों ने एक्ट्रेस को मशहूर कर दिया और उनकी पहचान घरों घरों में हो गई। फैंस शॉक्ड, एक्ट्रेस की मौत की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं और एक्ट्रेस को कमेंट में रेस्ट इन पीस लिख रहे हैं। आपको बता दें, बीते महीने एक और मलयालम एक्टर अपर्णा नायर ने सुसाइड कर लिया था। ये कई टीवी शोज और फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अपर्णा की बॉडी भी फ्लैट में लटकी मिली थी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं।